चेक करें ओल्ड सिटी एरिया की रौनक है। बसें ही बसें हैं बस। और सबको इतनी जल्दी है भाई, पहले मैं चले जाऊँ, हर बंदी की कोशिश यही है पहले मैं चले जाऊँ, उस चक्कर में कोई भी जा ही नहीं पा रहा। Assalamualaikum ladies and gentlemen, hope you guys are all good, welcome back to my new vlog। तो भाई guys, scenes कुछ ऐसे हैं कि आज का vlog start हो रहा है मेरा road पे, ये देखो भाई, और सदर में हम लोग मौजूद हैं, कुछ काम कराने आए थे, तो we thought के बंस रोड चला जाए कुछ खाने के लिए, भूख बहुत तेज लग रही है हमें। हाँ मेरे पास ही है, इसको अपने थैले की फिकर हो रही है। डोंट डिस्क्लोज इट। तो चलते हैं हम बंस रोड, फिर बताते हैं क्या सीन है। पुराने टाइम की बिल्डिंग चेक करो यार, कितनी सॉलिड बनी है, साइड भी हुई और साइड भी हुई। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसी पायदार। और ये कर लो पहले आप, तो फिर मैं अपने फैंस को कुछ काम की चीज़ दिखा सकूँ। अच्छा भाई गाइस, तो वी आर एट बंस रोड और तबीयत का बहुत बुरा हाल हुआ है, इसकी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था मैं। ये मेरे सामने साथे अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स, बल्कि 15 में स्नैप ले रहे वहीद की, सही है भाई, ये खुद ख़रीदा था हमने अपने पैसों में। और आए ना ये एक गोलगप्पे खाने के लिए आए, और हो सकता है अगर जगह बच गई ना पेट में, तो वी ट्राई दिस बंस रोड फेमस बाबू बन कबाब। बड़ी तारीफ सुनिए बाबू बन कबाब की, तो देखते हैं। अभी तो गोलगप्पे खाएंगे, लेकिन पहले हम राउंड वन जो ट्रेडिशनल स्टाइल गोलगप्पे होते हैं ना, मुझे ये पसंद। अब तो पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल देते हैं, सेव टेस्ट करते हैं। क्या रिपोर्ट है बाप? बाप रवीज अहमद। राउंड टू। आलू नहीं डाले ये जो आम छोटे वाले गप्पे हैं ना, देखो ये आम नॉर्मल लोगों के, जैसे ये हो गया, दिल जा रहा है अभी खाने का, मैं हो गया, हमने खा ली। द ग्रेट खल्ली के लिए ना ये वाला गोलगप्पा, उसका मुंह का साइज बहुत बड़ा है। ये आपको किसी चीज़ से रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है? हाँ, अगर इसके ऊपर कोई हमें दाना निकाला है कवा है, देखो 1000 का नोट दे रहा है, ये देखो इतना बड़ा कर दिया हमने। ये बताओ आपके पास इतना नोट आया कहाँ से, इतना बड़ा कर दिया तुझे 1000 रुपये आज? मुझे तो लग रहा कितनी कमेटी खुली है तेरी आज। उस्ताद 1000 रुपये, 1000 रुपये कट कर दिए। जिन लोगों को नहीं पता ना बंस रोड, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा वही भाई, यहाँ पे उनकी ना निहारी, नल्ली निहारी और इनके कबाब क्लास के बेहतरीन। अच्छा भाई गाइस, तो हम आपको दिखा रहे हैं गप्पे की मेकिंग, क्या कहते हैं इसको, हाँ गप्पा घोटाला।
उस्ताद ये जो डला है ना अभी ये देखते हुए लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच्चे बहुत देर हो जाएंगे। क्या बात। सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट दिस। कौन जो आप खा रहे हो? अच्छा भाई मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा, मजा आया। तो भाई गाइस गप्पा जो है ना ये गप्पा घोटाला हम लोगों ने निपटा दिया है, और दोज हु वांट टू नो द लोकेशन वही के बिल्कुल सामने ही है। नोमान भाई नोमान नाम है इनका। बाकी भाई यहाँ की लोकेशन थोड़ी सी गाइड करते हैं आप। मेन बंद रोड है वही जो आपके कोने के ऊपर ही स्टॉल लगता है हमारा खट्टा मीठा के नाम। टाइमिंग दोपहर 3 से रात 12 बजे तक। सही हो गया। रेट भी बड़े मुनासिब और रेट से ज़्यादा चीज़ जो है ना क्लासिक, ऐसा मैंने आज तक पहले खाया ही नहीं था। तो आफ्टर हैविंग गप्पा तो थोड़ा सा ही ना इधर से थोड़ा सा ही खिसक के हम इधर आ गए सोडा पीने। बड़ा अच्छा और काफ़ी फेमस सोडा है और हम लोगों ने अभी मेकिंग हमारी होगी तो दिखाऊंगा ना। एक एक लीची और छोटे छोटे एक लीची और एक क्या पीच पीच यार पीच वाले में बर्फ कम रखी है, बहुत ही हल्की सी तबीयत खराब है मेरी। यार दोस्त ये जो आपके पास फ्लेवर हैं सारे जो फ्लेवर हैं ये आप खुद बनाते हैं क्या करते हैं? ये बनाते बड़े भाई बनाते हैं मेरे। या कुछ लोग वो आर्टिफिशियल फ्लेवर बने बनाए भी लाते हैं ना? बने बनाए भी आते हैं। ये भाई बोलने मेरा अपना सोडा होता है, क्या सीन है सोडे का भाई? ये स्ट्रॉन्ग भी आना है। स्ट्रॉन्ग हो गया भाई। ये टेस्ट करते हैं डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब सोडा वैसे नहीं आते जैसे पहले हमारे बचपन में आया करते थे, अब तो वो बहुत बहुत ही मीठे होते हैं। तो एक्सट्रीमली मीठा नहीं है लेकिन बड़ा एग्जॉटिक फ्लेवर है भाई। इरादा हमारा ये था कि गोलगप्पे भी खा लें गप्पा घोटाला भी खा लें और ये जो आप देख रहे हैं ना सामने ये भी खा लें, लेकिन सीन्स कुछ ऐसे हुए कि भाई गोलगप्पे हम लोगों ने खा लिए और गप्पा घोटाला खा लिया, और फिर हमें जाहिर है मिर्चें थी थोड़ी सी उसमें वो मज़ेदार लग रहा था उस टाइम पे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे ये सोडे वाले के बाद। सोडा पीने के बाद अब जो है ना पेट में जगह ही नहीं है। सोडा बहुत सॉलिड और कमाल था यार। तो भाई गाइज फाइनली आई एम बैक एट होम और मज़ा आया, इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा। ये एक अचानक से ही जो है ना एक ट्रिप सॉर्ट ऑफ जो है वो हमने ऑन दी स्पॉट हम वहीं काम के लिए गए थे सदर, और सदर से हम लोगों ने अचानक ही एक प्रोग्राम बना लिया कि बंसरोड चलते हैं।
जो कि बहुत ही बहुत अच्छा डिसीजन रहा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों को ओवरऑल जो है तीनों चीज़ें ट्राई करके मज़ा आया। एक चीज़ ये कि वो बंस रोड का वहाँ का मशहूर बन कबाब जो है वो पहले मैंने खाया हुआ है, लेकिन आज मेरा दिल था लेकिन वो नहीं खा सका। उसकी वजह ये है कि वो तीन चीज़ों के बाद ना पेट एक्सट्रीमली फुल हो गया था। अब वो जो कप्पा को डाला था ना वो थोड़ा सा हैवी था, तो इसलिए जो है वो मुझे लग रहा है कि हैवी थोड़ा सा हो गया था पेट। बाकी ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो कमाल का टेस्ट था। आई वुड रिकमेंड यू गाइस के जाएं और ट्राई करें गोलगप्पे भी वहाँ के, क्योंकि गोलगप्पे बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल गोलगप्पे थे जो बचपन में हम खाते थे। अब तो जो है उसके अंदर सेव और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो ऐड कर देते हैं, वो भी मज़े के होते हैं, बट स्टिल एक पुरानी चीज़ की जो है वो टेस्ट पुराना होता है, ट्रेडिशनल टेस्ट था, बचपन याद आ रहा था। तो खैर आप लोग भी जाइएगा टेस्ट कीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहें मेरे व्लॉग्स को, इसी तरीके से अपना प्यार बरकरार रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।